हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 11वीं और कक्षा 12वीं के व्याकरण का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है फीचर लेखन। फीचर लेखन, जो फीचर शब्द होता है उसका, अगर फीचर शब्द का हम अर्थ निकालें तो फीचर शब्द का अर्थ होता है ने नक्स, मतलब कि आपके सर नाक नक्शे कैसे हैं, आपका फेस कैसा है, सब होते हैं किसी की पतली नाक, मोटी नाक, पतले होंठ, मोटे होंठ, बड़ी आंखें, छोटी आंखें, लंबा चेहरा, गोल चेहरा, इस तरह से नेल नक्श बताकर हम बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा दिखता है। इसी प्रकार से इस लेख के बारे में भी जब से लेखक, जब पाठक उसको पढ़ता है तो उसका पूरा रूप सामने उभर के आता है। इसी शब्द के ऊपर से लिया गया है फीचर लेखन, इसका नाम रखा गया है। और फीचर लेखन का अगर हम मतलब समझें तो उसका अर्थ होता है मनोरंजन पूर्ण समाचार, मतलब कि ऐसा समाचार श्रोता को, पाठक को आपको समाचार देना है, जानकारी देना है, लेकिन वो समाचार कैसा होना चाहिए? मनोरंजन पूर्ण, मतलब उसको पढ़ने में आनंद आना चाहिए, मनोरंजन आना चाहिए, मनोरंजन पूर्ण समाचार उसका अर्थ होता है। और सबसे पहली चीज पे ये ध्यान रखनी होती है कि समाचार इसमें द्वितीय स्थान पर आता है, प्राथमिकता इसमें मनोरंजन की होती है, मतलब मनोरंजन ज्यादा होना चाहिए, समाचार उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है। मतलब किसी भी काम को करने से पहले, किसी भी चीज को लिखने के पहले जो प्राथमिकता तय है इसमें, वो पहली प्राथमिकता ये तय है कि पहली प्राथमिकता है इसकी मनोरंजन, और दूसरे स्थान पर आता है समाचार। ये होता है फीचर। और फीचर लेखन के गुणों की हम बात करेंगे यहाँ पर। पहला गुण होता है सरसता एवं सहजता, मतलब फीचर लेखन बिल्कुल ही सहज भाषा में होना चाहिए और सरल होना चाहिए, जो ऐसे आपको आसानी से समझ में आ सके। दूसरा गुण है इसका प्रचलित शब्दावली का प्रयोग, हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है फीचर लेखन में जो जन साधारण को या साधारण व्यक्तियों को आसानी से समझ में आ सके। तीसरा है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का मतलब है कि वो अभी जो वास्तव में हो सकता है उसे हम प्रासंगिकता कहते हैं, जो चीज हो ही नहीं सकती है उसे प्रासंगिक नहीं कहेंगे। तो ऐसे शब्दों, ऐसी घटनाओं या ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है जो वास्तव में हो ही ना सके। चौथा है विश्वसनीयता, मतलब उसे बात ऐसी होनी चाहिए जिस पर कि लोग विश्वास कर सके, जो बात अविश्वसनीय है उसे नहीं लिखना चाहिए। पांचवा गुण है इसका रोचकता और संक्षिप्तता, मतलब ये फीचर लेखन रोचक होना चाहिए, पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा लगना चाहिए कि अरे आगे क्या लिखा होगा, आगे क्या लिखा होगा, हमें इसे और पढ़ना है। साथ ही संक्षिप्त होना चाहिए, मतलब छोटे से रूप में लिखा हुआ होना चाहिए, बात ज्यादा लंबी और बड़ी नहीं होनी चाहिए। ये इसके कुछ गुण हैं जिसे हमें फीचर लेखन के समय ध्यान रखना है। आगे हम देखेंगे फीचर लेखन का उद्देश्य क्या है, ये लिखे क्यों जाते हैं। तो अगर इसका उद्देश्य पूछा जाए तो तीन मुख्य उद्देश्य होते हैं इसके। पहला है ज्ञान वर्धन करना, जो श्रोता है, जो पाठक है, उसके ज्ञान में वृद्धि करना। दूसरा है सोचने समझने के लिए प्रेरित करना, मतलब जो पाठक है उसको उस विषय पर, जिस विषय पर हम फीचर लिख रहे हैं उस विषय पर वो सोचे समझे, इसलिए उसको प्रेरित करना है। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक स्तर पर मनोरंजन। आपका मनोरंजन एक तरह से क्या होता है, आप खेल रहे हैं, आपका शारीरिक मनोरंजन हो रहा है, आपको कुछ एंजॉय खुद से एक्टिविटी कर रहे हैं, आपका शारीरिक मानसिक दोनों हो रहा है। लेकिन मनोविज्ञानी मतलब आपके ऊपर दिमाग का, आपके मनोविज्ञान का, मतलब आपकी सोच का, तो आपकी सोच का जो मनोरंजन होता है, ये तीसरा कारण है कि फीचर लेखन से आपकी सोच का मनोरंजन किया जाता है। हमने इसके गुण देख लिए, इसका अर्थ समझ लिया और हमने इसके उद्देश्य देख लिए। अब थोड़ा सा एक सवाल ये आता है कि मैम आपने फीचर लेखन और साथ में हमने आलेख भी पढ़ा, तो आलेख और फीचर लेखन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, लिखते समय क्या अंतर होना चाहिए? बेसिक डिफरेंस यही होता है कि आलेख और फीचर दोनों ही सामने समाचार देते हैं, लेकिन ये अंतर होता है कि आलेख की तुलना में फीचर की भाषा शैली ज़्यादा रोचक, आकर्षक और अलंकारों से, मतलब कि सजावटी शब्दों से और बड़े ही फ्लो वाले, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए संबंध से जुड़े हुए सारे शब्द होते हैं जो एक ही प्रवाह में बह जाते हैं, जो एक ही लय में पढ़े और समझे जा सके, ऐसे रोचकता का प्रयोग इसमें ज़्यादा, उसमें सजावट का और आकर्षण को उसमें बना कर, मतलब जो समाचार में नहीं है फिर भी आकर्षण उसमें बना करके लगाया जाता है,
खासियत होते हैं फीचर लेखन की, और यही उसको लेख आलेख से अलग कर देता है। आगे हम देखेंगे कि फीचर लेखन के प्रकार, फीचर लेखन के प्रकार पांच तरह के होते हैं। पांच प्रकार के फीचर लिखे जाते हैं। पहला है साहित्यिक फीचर, जो कि साहित्य के बारे में, साहित्य से संबंधित कोई जानकारी हो या साहित्य से संबंधित कोई पुस्तक हो, कोई व्यक्ति हो, उनके बारे में लिखा जाता है। राजनीतिक फीचर, इसमें राजनीतिक घटनाएं, राजनीतिक उपलब्धियां, राजनीतिक कार्यक्रम, इन सब के बारे में लिखा जाता है। तीसरा होता है घटनापरक फीचर, इसमें किसी भी घटना के ऊपर फीचर लिखा जाता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना हो गया, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई है, कोई भी घटना, किसी भी घटना के ऊपर इसको लिखा जाता है। चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक फीचर, जो समाज से संबंधित होता है, संस्कृति से संबंधित होता है। समाज में क्या होते हैं, हमारे रीति रिवाज होते हैं, मेले उत्सव त्यौहार, ये सब आते हैं, तो ये सारे विषय सामाजिक और सांस्कृतिक के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम प्रकार है इसका प्राकृतिक फीचर। प्राकृतिक फीचर में हमें प्रकृति से जुड़ी चीज़ें, धरती, आकाश, जंगल, पहाड़, पर्वत, खगोल शास्त्र, ब्रह्मांड, चांद, तारे, ये सारे विषयों के ऊपर लिखा जाता है। यहाँ हमने सारे प्रकार देख लिए फीचर के क्या होते हैं, हमने फीचर के गुण देख लिए, लिखने का तरीका थोड़ा हमने समझ लिया, लेकिन फिर भी हम एक उदाहरण को अब यहाँ लेकर चलेंगे साथ में, जिससे आपको ये पता चले कि अगर आपको किसी विषय पर लिखना है फीचर तो आप कैसे लिख सकते हैं। हम यहाँ उदाहरण देखेंगे। उदाहरण है गुम होता बचपन। गुम होता बचपन, इस विषय पर फीचर कैसे लिखा गया है देखते हैं हम। थोड़ा शुरुआत कैसा है, नन्हा सा बच्चा, उसकी पीठ पर बड़ा सा बस्ता, आंखों पर चश्मा, हाथों में पानी की बोतल, स्कूल से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, मम्मी की डांट, बेचारा बचपन जाए तो जाए कहाँ, उसके बाद भी होमवर्क का टेंशन। बड़े ही बड़े तनावग्रस्त लोग इसको वर देख देख के सिहर जाते हैं और बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर पाते, काश बच्चा होता। तो इस तरह से आपने देखा कि मैंने अपनी बातों को कैसे लय ताल से जोड़कर बोला, इसी तरह से इन चीज़ों को आपको एक लय, एक ताल, एक पूरे प्रवाह के साथ जोड़कर लिखना और बोलना होता है फीचर लेखन के अंदर। तो इन्हीं खासियतों का प्रयोग हमें फीचर लेखन में करना है। और इसके अलावा आप कुछ और अपनी तरफ से प्रश्न लीजिए फीचर लेखन के, कुछ मुद्दों को लीजिए और स्वयं इनको लिखने का प्रयास कीजिए। आशा है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। बोर्ड पर लिखी जानकारी के लिए आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद।